हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं आज मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं चिकन गार्लिक रोस्ट। वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हमने लेना है चिकन। चिकन आप बोनलेस ले सकते हैं। तो हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा नींबू के रस डाल देंगे हम। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी सबको मिला लीजिए इस तरह। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने लेना है एक मिक्सर जार। मैं घर की बनाई हुई गरम मसाला डाल रही हूँ। आप साबुत जीरा, धनिया, काली मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची लेके इस तरह से मसाला बना लें। अब हमने लेना है लहसुन। तो 15-20 इस तरह से लहसुन की कलियाँ ले लें, इसका छिलका मत उतारिए। और 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले लेना है, बस हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है। अब इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस इस तरह से इसे पीस लेनी है। तो चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब हम एक पैन ले लेंगे, थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लेना है। इस तरह से स्लाइसेस में प्याज काट लेनी है आपको। तो प्याज को हमें फ्राई करनी है अभी। तो प्याज को हमने अभी फ्राई करनी है लाइट ब्राउन होने तक। देखिए इस तरह से प्याज फ्राई हो चुकी है हमारी। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। तो प्याज में मिला लूंगी मैं। अब अच्छे से मिला लीजिए। चिकन को हमने 3-4 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करनी है। अब हम इसे ढक्कन लगा के 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देना है। तो 15 मिनट मेरी हो चुकी है, मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। तो देखिए चिकन हमारा अभी तक पका नहीं है, तो इस तरह से आप एक बार चेक कर सकते हैं। हम अभी और 10 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम में। तो आप बीच बीच में चेक करते रहिए। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने मिक्स करना है। अब हम पिसी हुई मसाले को मिला लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। इस तरह से देखिए इसमें से बढ़िया कलर आ जाएगा अभी। तो देखिए इस तरह से हमें चिकन को मिक्स कर लेनी है और अच्छा सा कलर भी आ गया है। इस प्रोसेस में हमें पानी नहीं डालनी है, इस तरह से ही रखना है। तो हम और 5 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम में। तो 5 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए चिकन ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें करी पत्ता धो के साफ करके डाल देंगे। तो इसे मिला लेनी है हमें। तो इस तरह से आप स्पून की मदद से मिला लीजिए।
अब हम हरा धनिया डाल देंगे। तो आपके घर में कभी मेहमान आए तो इस तरह से बना के झटपट से बना के खिलाइए। ध्यान रहे इस प्रोसेस में हमें पानी नहीं डालने चिकन में। तो हमारी रेसिपी बनके तैयार है। तो देखिए मज़ेदार सी चिकन गार्लिक रोस्ट फ्राई बनके तैयार है। तो खाइए और खिलाइए मेहमान को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।